ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि हरियाणा के सनौली में एक शोभा यात्रा गुजर रही थी, तभी एक मुसलमान ने हिंदू देवता हनुमान का ध्वज लेकर जा रहे इस युवक पर हमला कर दिया और बाद में ध्वज जमीन पर पटक दिया। ऐसे ही दावे के साथ कई राइट विंग यूजर्स ये वीडियो ट्वीट कर रहे हैं। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने जब इस वीडियो के संदर्भ में जांच की तो पाया कि सोशल मीडिया पर किया गया दावा बेबुनियाद है। वीडियो ध्यान से देखने पर हमें झंडा लेकर जा रहे युवक से ध्वज लेने वाले इस शख्स के टी शर्ट पर ये बैच दिखा। अक्सर इस तरीके का बैच मंदिर की कमेटी के लोग या शोभा यात्रा के आयोजक लगाते हैं। इस घटना के बारे में छपी अमर उजाला की रिपोर्ट में बताया गया है कि सनौली में जन्माष्टमी के दिन ये यात्रा निकाली गई थी। जब ये यात्रा मुस्लिम समुदाय के इलाके से गुजर रही थी तब बजरंग दल से जुड़े कुछ लोग धार्मिक झंडे लेकर वहां पहुंचे और धार्मिक नारे लगाने लगे। झगड़े का अंदेशा होने पर गांव के सरपंच संजय त्यागी ने बजरंग दल के दो युवाओं के हाथ से झंडा ले लिया। इसके बाद बजरंग दल और सरपंच के बीच हुए विवाद के बाद मंदिर में बैठक हुई और बाद में समझौता भी हुआ। यहाँ ये बात तो साफ हो गई कि वीडियो में युवक से झंडा छीन रहे व्यक्ति उसी गांव के सरपंच है, न कि कोई मुस्लिम व्यक्ति। हालांकि इस दूसरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि गांव के सरपंच संजय त्यागी और दूसरे पक्ष के लोगों ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी थी और पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए सनौली गांव के सरपंच संजय त्यागी ने बताया मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा में वो भी मौजूद थे। जब ये यात्रा एक मस्जिद के सामने से गुजर रही थी तभी बजरंग दल के कुछ लड़के आए और हाथों में धार्मिक झंडे लहराते हुए नारे लगाने लगे। स्थिति न बिगड़े इसलिए उन्होंने लड़के को डांटा और उसके हाथ से झंडा ले लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इसे नहीं रोका तो नूह जैसी घटना होने की आशंका थी। उन्होंने लड़के के हाथ से झंडा ले लिया था लेकिन उन्होंने इसे जमीन पर नहीं पटका था। वीडियो में झंडा लेकर जा रहे लड़के को रोकने वाला शख्स मुस्लिम नहीं बल्कि साबा नंबरदार है और वो मंदिर समिति का सदस्य है। यानी वायरल वीडियो के साथ ये झूठा दावा किया गया कि धार्मिक झंडे लेकर जा रहे युवक से मुस्लिम व्यक्ति ने झंडा छीन लिया। असल में विवाद की आशंका की वजह से गांव के सरपंच संजय त्यागी ने युवक से झंडा ले लिया था।